तो अभी टाइम 6:30 हो चुके हैं और हमने लगभग 7 किलोमीटर पैदल चढ़ाई की है, और इसको करने में हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे हैं क्योंकि 20 मिनट हमें यहाँ पर रेस्ट करते हो गए। तो अभी इसके आगे भी बोल रहे हैं 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और मंदिर है, और ये फैमिली अभी नीचे उतरेगी यहाँ से 9 किलोमीटर फिर से। तो 6:30 बजे अगर 2 घंटे भी लगाते हैं तो उनको 8:30-9 बजे आएंगे नीचे उतरने के लिए। काफ़ी ध्यान से उतरना पड़ेगा। वैसे तो 4-5 लोग हैं, पूरी फैमिली है, स्टिल इनके साथ बच्चे भी हैं और मतलब लेडीज़ भी हैं, तो थोड़ा सा रिस्की तो है। और एक ही है जो 4 किलोमीटर चलने के बाद बोल रहा था भाई वापस चलते हैं। तो गाइस अभी चाय का आनंद ले रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और लक्ष्य और अर्पित, और ये चाय भी नहीं पीता है, ये अलग ही वैरायटी है। ये दूध पीता है। हम भी पीते हैं चाय भाई, बहुत भूख लग रही है। और एक और ग्रुप आया हुआ है, इन्होंने भी स्टे करना है, और हमारे लिए अभी यहाँ पर टेंट लगेगा। हमने सोचा टेंट में स्टे करते हैं आज, तो इस एरिया में वहाँ पर टेंट लगेगा। तो गाइस अभी स्टे यहाँ पर है हमारा, पहले वहाँ पर था। देखो गाइस, आते ही भाई हो चुके हैं फ्लैट, देख सकते हो आप किस बड़े तरह टाइम इनकी बाद बेड मिला, ऐसा लग रहा है बुरी नवजोत हालत को है। लिए सुकून मिल रहा है यार, अपन तो करोड़पति बनने के बाद रात के मिलेंगे बाद खा भाई। पुआ था, मजा आया भाई। हवा बहुत ज्यादा चल रही है यार, गाइस फाइनली आग जल चुकी है यहाँ पर। बड़ी मेहनत से आग जली है क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा है, तो हवा की वजह से ना आग जलाने में बहुत दिक्कत आती थी। लाइटर से लाइटर ही नहीं जल रहा था यहाँ पहले, अब लकड़ी ने आग पकड़ लिया तो हवा से उसको हेल्प मिल रही है। तो गाइस आग तो हमने जला दी है, और इस आग को जलाने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ठंड कम लग रही है यहाँ पर। ठंड ठंड मतलब टेम्परेचर काफ़ी कम है, हमारे अगर अपने घर वाले एरिया नॉर्मल से कंपेयर करें तो यहाँ पर कम से कम 5-6 डिग्री से भी ज़्यादा डिफरेंस होगा इस टाइम के टेम्परेचर में। अगर वहाँ पर 18-19-20 डिग्रीज है तो यहाँ पर शायद 12-13 डिग्री के आसपास या उससे भी नीचे हो सकता है। और जिन बंदों ने टी शर्ट्स पहनी है इंक्लूडिंग मी, तो ठंड तो मेरे को भी लग रही है, पर अभी आग जलाई है तो ठीक लग रहा है। वैसे ठीक अरेंजमेंट्स है। तो हम करके आए थे, हुडी वगैरह लेके आए हैं और कंबल वगैरह भी सब कुछ अरेंज ठंड करके एंजॉय रखा कर है हमने, रहे पर जो अभी इतनी गर्मी के मौसम में इतना अच्छा जो ठंड चिल वाला माहौल है ना, वो एंजॉय करना भी थोड़ा अच्छा रहता है। अभी आपको बाकी प्रिपरेशंस भी दिखाते हैं जो अंदर कर रहे हैं। तो लाइटिंग। गाइस अंदर अंधेरा है और अंधेरे में पता नहीं आपको दिख पा रहा है या नहीं, यहाँ पर नवजोत बैठा हुआ है साथ में हेलो, अर्पित और प्याज वगैरह काट रहे हैं। अभी भी थकान सी फील हो रही है काफ़ी बॉडी में, इतनी चढ़ाई करने के बाद प्याज काटेंगे, उसके बाद सब्जी वगैरह बनाएंगे, फिर आराम से खाना खाएंगे, भूख लगी है सबको बहुत ज़्यादा। टमाटर कुकर कहाँ गया? कुकर तो बाहर है, कुकर चाहिए, तेरे बैठ गए टमाटर कुकर चाहिए। अभी 7:45 होने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं और अंधेरा हो चुका है। अभी से नाइट व्यू बहुत सही आने लगा है यहाँ से, और यहाँ पर खाने का सामान रेडी है और थोड़ी देर में खाना भी बन जाएगा, आग वगैरह जल गई है। और नवजोत हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है खाना बनाने की, और जितने भी सारे ये काम है इसकी, बाकी ये सबसे बड़ा गप्पे मारने वाला बंदा है, काम नहीं करता नहीं है कुछ भी। बिल्कुल भाई, अभी तक इसने कुछ नहीं किया है। ला दूई पैकेट हो क्या है मोयो, तू नहीं आ रहा और अंदर से अंधेरे में भी ये ये व्यू घर वाले बहुत ही हो सही रही लग रहा है, जो बस नहीं मेरे डोलादार क्यों है दिख रहा है जाके तो सामने, दूंगा बहुत ही अच्छा है। अंदर है कोठी से दुटवा मत पा, ओए मजाक कितने नहीं जा। तेल गरम हो रहा है यहाँ पर,
गाइस मैंने कल व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था कि अगर कोई हिमानी चमुंडा जाना चाहता है हमारे साथ कैंपिंग वगैरह करेंगे, तो दो तीन बंदों ने रिस्पॉन्स तो किया, पर आए सिर्फ दो ही बंदे हमारे साथ उनमें से। अगर थोड़े और ज़्यादा बंदे होते तो थोड़ा और ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं हम, पर तुम लोग यार सुस्ती बहुत हो, कोई रिस्पॉन्स करना ही नहीं चाहता यार। आ जाया करो, जब मैं स्टेटस वगैरह लगाता हूँ तो मतलब प्लान होता है हमारा कहीं का सीरियसली। बाकी खर्चा कोई नहीं है तुम लोगों का, बस हमारे साथ चलना होता है आपने। और जितना अंधेरा हो रहा है उतना ही नीचे का व्यू बहुत ही शानदार बनता जा रहा है। और नीचे एक और ग्रुप आया है, वो यहाँ पर अपना टेंट वगैरह लगाएंगे, तो चार लोग हैं ये और अपना ही सब कुछ सामान लेके ऊपर चढ़े हैं, ऊपर आए हैं और टेंट लगा के यहीं पर स्टे करेंगे। और हमारे वाले इधर ही, जब हमारा चूल्हा फ्री हो जाएगा तो यहीं पर ही खाना वगैरह बनाएंगे। अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा तो ये वाटर सोर्स है यहाँ पर, एकदम फ्रेश वाटर आ रहा है। कहीं ग्राउंड से जो निकलता है पानी उसको इकट्ठा करके यहाँ पाइप के थ्रू नीचे पहुँचाते हैं ये, तो ये इनसे हम पानी ले रहे हैं और बहुत फ्रेश वाटर है, एकदम ठंडा चिल वाटर, चिल्ड वाटर है। और यहाँ पर जीरा भून रहा है और साथ में किसी लड़की से बात कर रहा है। लड़की से बात नहीं कर रहा है, ठीक किसी लड़की से बात कर रहा है भाई, लड़की से नहीं बात कर रहा है। गाइस जो भी फोन पे है प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सुनी लिखा हूं तो टेस्टी बनना था, ज्यादा थोड़ी लगभग में से भाई बैठी है ना, बहुत ही टेस्टी खाना और बढ़िया है, थोड़े क्लास में तो बढ़िया है। देखो फिर बोल रहा है मैं लड़की से बात नहीं कर रहा हूं, फ्लैश भी भाई करना है करने लायक है। ये कैप्चर है लड़का नंबर पता नहीं हो रहा ना। और एक ग्रुप वहाँ पर खाना बना रहा है सामने, पांच छह लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और जो नीचे है उनका टेंट यहाँ से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जो नीचे बंदे थे वो यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं, पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं अंधेरे में। मार के इसकी फूंक निकल रही है, ये है हमारी देसी लाइफ, पहाड़ी लाइफ इसको बोलते हैं हम। इस एरिया में भी ना जहाँ पर खाना पानी सब कुछ मुश्किल से मिलता है, मोबाइल एयरटेल का वहाँ पर 5G चल रहा है। इसकी नज़र उल्टी है थोड़ी, सिर पे इसने चश्मा लगा के रखा है उल्टी उस साइड। तो गाइस इसका कहना है कि दिन में हम आंखों में चश्मा लगाते हैं और रात को दिमाग में। तो गाइस खाना रेडी है और खाना स्टार्ट कर दिया सबने और बहुत टेस्टी खाना बनाया हमारे नवजोत ने, थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी है। तो गाइज यहाँ पर सोने का पूरा प्रबंध करके बंदे हो चुके हैं लोटपोट, सारे थक चुके हैं और सारे ही बेड पे पड़ चुके हैं। मैं और कम्मू नज़ारे देख रहे हैं बाहर, बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको भी दिख रहा होगा शायद यहाँ से कितनी अच्छी लाइटें दिख रही हैं। यहाँ से पूरा मंडी तक का जितना एरिया ना सारा डाउन में जो है वो सारा दिख रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं लाइव। तो गाइज आज का ब्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी मंदिर नहीं पहुंच पाए हम, तो जागरण नहीं था, तो हमने सोचा कि ऊपर जाने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है, यहीं पर रेस्ट करते हैं। तो हमने यहीं पर खाना वगैरह बनाया और यहीं पर स्टे कर रहे हैं आज, सारे इधर ही हैं। तो करते हैं आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं आपसे फिर, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल। और मंदिर में अभी सुबह 6-7 बजे के बाद हम
यहाँ से आगे जाना स्टार्ट करेंगे जो कि 3-4 किलोमीटर अभी हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और फिर से अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। रात के 2:47 और ये रात का व्यू, रात के 2:30-3 बजे का व्यू है। दिखता नहीं है कैमरा। ये रात का 2 बजे का व्यू। यहाँ पर ना टेंट लगे हैं, दिन में दिखाऊंगा अभी, अभी अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं। 3-4 टेंट्स लगे हैं इधर हमारे, जहाँ हमने स्टे किया उसके बाहर।